तो शाम के करीब 3:20 हो रहे हैं और आज तारीख है 4। हम लोग आज ही अपने यहाँ से केदारनाथ यात्रा शुरू कर रहे हैं और चल रहे हैं आगे को। वैसे तो जो एक्चुअल डोली है वो जाएगी यहाँ से कल, अभी यहाँ पर डोला यहाँ पर पहुँचा है केदार बाबा का, लेकिन हम लोग जो अपनी यात्रा है वो आज ही शुरू कर रहे हैं। अभी बीच में जाके कहीं पर कैंपिंग कर लेंगे और सुबह दोबारा अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हम आज रुकेंगे। तो चलते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि डोली के क्या चार्जेस हैं और कहाँ से कहाँ तक के कितने चार्जेस हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पूरा ग्राफ आ रहा है ये इसी का है। और अभी मैंने अपना मैट्रेस आगे ही रख लिया, पीछे बार बार ना लोग टकरा रहे थे तो गिर जा रहा था, तो इसलिए अभी आगे रख लिया और गौरीकुंड से आगे की तरफ बढ़ रहे। तो यहाँ गौरीकुंड में भी आप लोगों को काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारे एक मित्र जो कि गौरीकुंड पहले ही पहुँच चुके थे, उन्होंने हमें बताया कि गौरीकुंड में जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर सारे बुक हो चुके हैं पहले ही और सारे फुल चल रहे हैं। इसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई होटल रूम मिलता है या नहीं मिलता। भैया होटल आपका है? रूम है? नहीं है? वैसे कितने का होता है? 1000-1500 पर बेड का या रूम का? रूम का। अच्छा ठीक है भैया। तो यहाँ पर 1000-1500-2000 सब अलग अलग तरह के बेड्स मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी सब फुल चल रहे हैं भैया। तो पहले तो आप लोगों को अपना जैकेट ट्रैक पैंट वगैरह सब लेकर आना है और रेनकोट स्पेशली लेके आना है, बाई चांस आप भूल जाते हो। तो ये भाई बैठा है यहाँ पर, इसके बाद आपको सारे मिल जाता है। ट्रैक पैंट मिल जाएगी 450 रुपये से और जैकेट्स मिल जाएंगी 850 रुपये से। चेक करोगे ना ऊपर के लिए? आपके भी व्लॉग्स देखे हैं मैंने कुछ। थैंक यू सो मच। तो हमें यहाँ पर पहाड़ी बाइकर के साथ मिली हैं प्रियंका जी, और ये इनके भी काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आते हैं। और मैं इसकी दीदी हाँ ये इनकी बड़ी दीदी है और इनके एक और भी सिस्टर है जो कि बाइक वगैरह ड्राइव कर रही है। सबसे छोटी है वो, सबसे छोटे हैं। ओके तो आप लोग तो यही रखने वाले हो अभी ना? कल डोली के लोकल हैं ये तो। मैं तो लोकल हूँ यहाँ पे। अच्छा इनका गांव से यहीं भी नया है? हाँ ये आगे आपका वो भी है ना, मेरा मार्केट सोन प्रयाग में। हाँ हाँ वहाँ पे आपका होटल रूम वगैरह बने हैं अभी। ठीक है आप जम्मू एंड कश्मीर से हो ना सर? जम्मू से सर। मैंने अभी नेपाल के व्लॉग्स देखे थे आपके। अच्छा लग रहा है सर, अपनी यूट्यूबर फैमिली मिल रही है ना? इस बार बहुत यूट्यूबर। अरे आंख बंद करके पत्थर फेंके यूट्यूबर का ही लगेगा। सर पत्थर मत रखिए, जवाब आ गया। कोई जो आंख देगा वो जवाब आ जाएगा। पत्थर फेंको गाने की आवाज आएगी। मतलब हम 5-6 लोग आए सारे के सारे। आप कहाँ से सर? मैं उत्तराखंड से हल्द्वानी। हल्द्वानी तो हम लोग बरेली से। अच्छा एक बात बोलूँ सर, उत्तराखंड के बहुत लोगों से मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है, नया कुछ जानने को मिल रहा है। अभी आपके साथ में समझ रही है झारखंड से हमारे भाई अभिनव भाई। सर हम पहले भी मिले हैं, मैंने देखा भी है भाई को, बट मेरे को वही पहचान नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ ना। बाकी ये भाई भी झारखंड से आया है साइकिल से। हाँ इनका ब्लॉग देखा था मैंने, आलोक के ब्लॉग में। अच्छा आलोक अभी अभी यहीं खड़ा था उधर, सभी साथ आलोक और उसकी सिस्टर भी खड़ी हुई थी प्रियंका। और आप भैया आप कहाँ से? हाँ जम्मू से। रात को जम्मू से? हाँ देखे होंगे व्लॉग्स भाई। अरे देखा होगा जल्दी से सुजेस्ट में आ गया। कहीं ना कहीं तो देखा है, लद्दाख कहते हैं। हाँ अभी रिसेंटली नेपाल की सीरीज चल रही थी। बोले जय बोले जय बोले। हम लोग मंदिर प्रांगण से थोड़ा सा इस तरफ को आए हैं, मंदिर के सामने से एक रास्ता जाता है, हम लोग यहीं पे कैंपिंग करने का सोच रहे हैं आज रात। तो अभी जगह वगैरह ढूंढते हैं पहले कैंप करने की और फिर कैंप साइट पे आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कैंप साइट डिसाइड करी है और भाई जी ने हमारी मदद करी है इस जगह को सही से साफ करने में। तो यहाँ पर अपना टेंट वेंट लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं टाइम लैप्स।
यहाँ पर हमने अपनी कैंपिंग का जुगाड़ कर लिया है। अपने तीन टेंट हैं, एक वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों टेंट अपने। और यहाँ पर बहुत सारे टेंट लग गए हैं, एक यहाँ पे पहले से लगा हुआ था, तीन वहाँ पर हमारे आने के बाद लग गए, और एक भैया लगाने वाले हैं, और एक शायद कोई और भी था जो यहाँ पर एक और लगाना था। तो भाई पहले हमने आप लोगों को बोला था कि पत्थर उठा के मारो तो सब जगह किसी ना किसी यूट्यूबर को जाके लगेगा लगेगा, लेकिन अब अगर पत्थर मारोगे तो किसी ना किसी कैंप के ऊपर गिरेगा ही गिरेगा। और यहाँ पर हमारे अभिनव भाई ड्रोन सेट करते हुए, अभी ड्रोन के शॉट्स दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये वाला पूरा व्लॉग हमारा कैंपिंग वाला होने वाला है। अभी हमने अपना कैंप्स वगैरह सेट किए थे, आप लोगों को बता दिया, अब कुछ खाने वाने की तैयारी करते हैं। पहली बार कैंपिंग करेंगे आप हैं? और अनूप भाई आपकी पहली कैंपिंग है? पहली है मेरी तो। मेरी तीसरी, मतलब खुद से टेंट लगा के तीसरी है, लेकिन वैसे कई बार कैंप में रह चुका हूँ। आपने देखा था कि जब हम लोग ओली ट्रैक पे गए थे, क्वारी पास और केदारकांठा, और जो हमने पीछे दो तीन ट्रैक्स और भी किए, उन सब में हम लोगों ने कैंप्स में ही रुके थे। तो आज फिर अपना सा कैंप लगा के हम कैंपिंग करने वाले हैं। और यहाँ देखो, यहाँ कितना बड़ा टेंट लगा रखा है इन्होंने, ये इनका टेंट लगा हुआ है यहाँ पर। कुछ देर पहले ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई थी, एक टेंट वो लगा हुआ था जब हम आए थे, उसके बाद हमने टेंट लगाया और ये सारा भर गया। ऐसा लग रहा है जैसे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर आके सारी एक बस्ती बना दी हो। जितने भी टेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, सब में कोई ना कोई यूट्यूबर है, छोटा बड़ा कई सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर अभी धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और समझ गया मैं आप मत देखना। तो हम लोग टेंट के अंदर आ गए, मैगी बनाने का प्लान था, जैसे ही प्लान बनाया मैगी बनाने के लिए ऐसे बारिश शुरू हो गई, तो सोच रहे हैं कि अंदर ही बनाएंगे, देखते हैं अभी क्या डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूबर्स की बस्ती में बाढ़ आ चुकी है और बाढ़ से बचाव का कार्य जारी है। क्या पानी आ रहा है क्या अंदर? SDRF वाले आ रहे हैं, SDRF वाले आ रहे हैं ना, बुला रखा उनको। ये नाला हम बनाए हैं, सही ये देखिए, यहाँ से बाढ़ निकाला जा रही है उधर को, भाई के अंदर जा रहा है सारा, इधर भाई को इलाके देख लो, नहीं अंदर तो कोई है नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, पड़ोसी ढाई घंटे से गाड़ी दे रहा है। अच्छा, हमारा वाला टेंट भी हमें हिलाना पड़ेगा, इधर लगा लेते हैं। कितना दे रहे तुम भाई? भाई कितना तुम्हारे प्रैंक करा, ऊपर देखो हाय करो, कैमरा लगाया है। हेलो, इन्होंने करवाई है। ये हमारा अभिनव भाई ने बड़ा तेज दिमाग लगाया, इन्होंने यहाँ पर एक पत्थर लाके रखा था कि पानी रुक जाए। बांध बना रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रो थर्मल प्लांट खोलूंगा, मैं बिजली बनाऊंगा, सबको बिजली दूंगा, मुझे वोट दो, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पानी से बचाऊंगा। नहीं, मैं बिजली दूंगा, अभी डैम बना दिया अपनी इज्जत बहुत खतरे में, क्या पता कोई आगे या पीछे से कैमरा जा रहा है। हमने कैंपिंग किया, डूब गया वहाँ, हमने टेंट लगा रखा था यहाँ पर, और यहाँ नीचे पूरा सारा पानी आ गया। ओ भाई, हमारे टेंट में नहीं मारने का, हाँ अपने टेंट तक रखने का। गंदी बात, ये गंदी बात, सारा पानी आ जाएगा। अरे अब करो ना डांस यार, कैंपिंग वेंट रॉन्ग, नया टाइटल मिल गया, मैगी वेंट रॉन्ग। मैं मैगी तो तुम अकेले अकेले खा गए, हमने कॉकटेल करी थी मैगी और थिंग्स की, बहुत बेकार थी। वाह वाह, तभी नहीं बुलाया। अच्छा, क्या नहीं बुलाया भाई? भाई कंटेंट ही कंटेंट है यहाँ पर, जिधर भी कैमरा घुमा लो कंटेंट मिल ही जाएगा। कोई अगर आपको अभी हमारे टेंट में पानी आया, देखो ये रहा इतना पानी, देखो भाई, इतना पानी होने के बावजूद भी ना हमारे टेंट में बिल्कुल भी पानी नहीं गया। और मेरा वाला जो टेंट है वो वहाँ पर लगा दिया हमने, यहाँ पर पूरा पानी हो गया था सिवाय इस एरिया को छोड़ के, लेकिन उसके अंदर भी हमारा पानी नहीं गया। शुरुआत में सबसे पहले यहीं पर पानी भरने लगा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं गया, एक बूंद पानी नहीं गया अंदर। यहाँ पर ढूंढा जा रहा है कि किसके पास फावड़ा है, किसके पास कुल्हाड़ी है, ताकि इस पानी को निकाला जाए बाहर को। पानी भी है ना, और
तो यहाँ पर सफाई वगैरह करी जा रही है ताकि पानी वगैरह निकल जाए। तो वैसे तो मैगी बनाने का प्लान था लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ओ भाई ना तो पानी पानी हो रहा है, कपड़े कैसे चेंज करेंगे यार, चेंज तो कुछ नहीं करना। तो देखते हैं बाहर क्या खाने का मिलता है। हम लोग ऊपर एक रेस्टोरेंट पर आ गए और यहाँ पर हमने एक थाली ऑर्डर करी थी जिसमें रोटी दाल सब्जी और चावल है, साथ ही पराठे भी मंगा रखे हैं वो भी आ रहे हैं, और चाय ले आए हम लोग अलग दुकान से, यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो खाना खाते हैं चाय पीते हैं और वापस चलेंगे दोबारा, उसके बाद फिर एडिटिंग में लग जाएंगे, तो टेंट में ही बैठे रहेंगे ज़्यादातर। तो भाई जी खाना तो मज़ेदार था भैया का, और मात्र 100 रुपये की थाली थी, 50 रुपये का पराठा, पेट भर गया भाई। आलू पराठा जबरदस्त थे, मस्त जी, सब थाली से ज़्यादा बढ़िया आलू पराठा। आलू पराठा हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कैंप पे और अभी एडिटिंग वगैरह करनी है, तो इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं क्योंकि नीचे अंधेरा भी हो चुका है और गोप्रो की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि रात बर्दाश्त नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है भाई ये। तो होप करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जो चीज़ें अच्छी लगी हों जो चीज़ें बुरी लगी हों दोनों कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी लेते हैं आप लोगों से विदा, कल मिलेंगे आपसे दोबारा, बाबा केदारनाथ के दर्शन कराएंगे आपको। अभी लेते हैं विदा, बाय बाय।